नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चन डील करे थे, एक था हमारा एडमिशन का, एक था 2 क्वेश्चन हमारे चेंजिंग पीएसआर के, सेम वेराइटीज के अंदर। थोड़ा सा और बढ़ते हुए आगे हम क्या करते हैं, एक चेंजिंग पीएसआर का एक क्वेश्चन लेते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आने के चांसेस हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 80, मैंने बार बार एक ही बात बोली है आपको कि एडमिशन रिटायरमेंट है तो चेंजिंग पीएसआर सब एक जैसे हैं, सिर्फ इनका बुनियादी अंतर आता है, बाकी सारे डेटा बिल्कुल सेम है। जैसे आपने लिखा है, अमर, तरुण, अखिल 3 बांट रहे हैं, 5:2 का रेशियो है। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की, इस तरीके से कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बीआर वगैरह दे रखा है आपको, एसेट दे रखी है। बैलेंस शीट में उन सभी आइटम को आप अंडरलाइन कर देना जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखे हैं। जैसे कि आप, मुझे रिजर्व और पीएल नजर आ रहा है, बाकी कोई डेफर खर्चा गुडविल नजर नहीं आ रही। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर वाज एग्री 2:2:1, यानी कि पहले रेशियो कितना था, 5:3:2 का रेशियो था, फिर 2:1 का रेशियो हो गया। मतलब पहले ये ओल्ड रेशियो था, फिर हमारे ये न्यू रेशियो हो गया 1 अप्रैल 2019। दे एग्री टू दी फॉलोइंग, दे एग्रीड टू दी फॉलोइंग, कुछ इस तरीके से बात बनती है। स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 220, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो 2020 तक। प्रोविजन ऑफ फुल डेट रिड्यूस बाय 2000 से कम कर दो। फर्नीचर रिड्यूस कर दो 20% से। कंप्यूटर की वैल्यू घटा दो 270 तक कर दो। और इस तरीके गुडविल, तो देखो ये वाले जो पॉइंट है ये तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। ये वाला पॉइंट तो कौन सा मेरे बेटा जी, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। और जो पॉइंट नंबर 5 है वो कौन सा है, गुडविल ऑफ द फर्म का पॉइंट है, 1 लाख रुपए का। क्लियर है, ये न्यू गुडविल है, ओल्ड नीति यहाँ न्यू नीचे दे रखी है। मेन बात अब लिखी हुई है, देखो पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट एंड लायबिलिटी एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड आल्सो डिसाइडेड दैट रिजर्व एंड प्रॉफिट अकाउंट शैल बी कैरीड एट द सेम वैल्यू। कह रहे हैं कि पार्टनर ने डिसाइड करा है कि वो अपनी एसेट और लायबिलिटी को एग्जिस्टिंग वैल्यू पे कैरी करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन से क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये कह रहे हैं जो इसको एग्जिस्टिंग वैल्यू है उस पर ही कैरी करना चाहते हैं, मतलब जो वैल्यू पुरानी है उसे भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते। और वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते इसका मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाने से वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरी बात, आप रिजर्व और पीएनएल को रिकॉर्ड नॉर्मली पार्टनर सब लोग बांट देते हो, बट क्वेश्चन क्या बोले, दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट रिजर्व एंड प्रॉफिट शैल बी कैरीड एट द सेम वैल्यू। ये भी जैसे बरकरार है बैलेंस शीट में, वैसे नहीं, वाली बैलेंस शीट में बरकरार रहने चाहिए, इनको कोई बांटना नहीं है। कह रहे हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव मैनेजमेंट, ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हमने करके देखा था। ठीक है, फिलहाल हम करते हैं क्या, जैसे रिवैल्यूएशन पॉइंट दे रखा है, आप फटाफट से फोटो खींच लीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन को जल्दी से करना शुरू करते हैं। टिक टिक टिक, चलिए। हाँ जी, इसमें करना कैसे है आपने, इसमें आपने सबसे पहले क्या लेना है, एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहे हैं ना ये, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे पहले, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे मेरे बेटे जी, रिवैल्यूएशन के इफेक्ट दे देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, जैसे देखिए स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर दो, इंक्रीज टू 220, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो 220 तक कर दो। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख से 220 करनी है, मतलब कितना है, ये 20,000 का प्रॉफिट है। अगर रिवैल्यूएशन बनाते तो प्रॉफिट रिकॉर्ड होता, बट अब रिकॉर्ड नहीं होगा, मना कर दिया ना रिवैल्यूएशन बनाने से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम कर दो 2000 से, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम करोगे तो मतलब पैसा मर रही है, चांसेस कम हो रहे हैं, ये भी क्या हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। स्टॉक बढ़ रहा है प्रॉफिट, प्रोविजन पैसा मिलने की चांसेस कम हो रहे हैं प्रॉफिट। कंप्यूटर रिड्यूस टू 270, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 लाख, 3 लाख से 270 कर दो, ये भी क्या हो गया तुम्हारा लॉस। कंप्यूटर 30,000 का, 3 लाख से 270 हो रही है लॉस माइनस में। और एक बोर्ड बोर्ड रही है पॉइंट नंबर थर्ड, फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%, फर्नीचर की वैल्यू 20% से कम कर दो। फर्नीचर ऊपर बैलेंस शीट 50,000 का, 50,000 का 20%, 10,000 रुपये, एसेट की वैल्यू कम होगी लॉस। कुल मिलाकर बताओ जी क्या निकला, प्रॉफिट निकला या लॉस निकला, जो कि तुम्हारा 20 + 2 - 40, तो भैया कुल मिला के हमारी झोली में तो भैया लॉस आ रहा है 18,000 रुपए का, ये लॉस आ गया। ये लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था,
ओल्ड रेशियो बटा चाहिए था बट बटा नहीं क्योंकि रिवॉल्यूशन नहीं बनाया। तो इस लॉस को पहले ओल्ड बांटोगे न्यू बांटोगे और जी टू एस लगा दोगे। दूसरी बात, एक बात और बताए आपको, जब जी टू एस लगी रही है तो हाथ दिया भैया गुडविल की, तो गुडविल देर के नीचे पॉइंट नंबर 5 में न्यू गुडविल, इसकी तो जी टू एस लगेगी। अच्छा दूसरा, ये नेगेटिव की फिगर है और ये पॉजिटिव की फिगर है, क्लियर है। चलो जी, उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली है क्या, कि ये रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो यानी कि जो रिजर्व बढ़ना चाहिए ओल्ड में वो बढ़ जाएगा आगे जाके न्यू में, उसके भी क्या करोगे जी टू एस रिजर्व भी और पीएनएल भी। कितने रुपए मेरे बेटा जी, पीएनएल है 30,000 रुपए का, ये भी ऐड, मतलब ये सारा प्रॉफिट वाला कंटेंट है, ये लॉस वाला कंटेंट है। एक अमाउंट निकल जाएगी जिसके तुम जी टू एस बनानी है तुम्हें, 1,80,000, 30,000 माइनस 18,000, 1,92,000, क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है अमर, तरुण, अखिल, पहले ओल्ड रेशियो में और फिर न्यू रेशियो में बांट दो। अब देखो हमारे क्या है, जो प्रॉफिट है वो पहले 96 था, अब कितना हो गया कम, ये करके सैक्रिफाइस। तरुण का बढ़ गया 57,600 से 76,800, इसका बढ़ गया, तो ये क्या कर गया गेन, ये कुछ नहीं हुआ। जी टू एस की एंट्री लगा दो, क्या लगेगी एंट्री, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या बनाओगे, मतलब एक कमर एंट्री लगे, अब इसी एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आ गया, रिजर्व पीएनएल का भी आ गया, गुडविल का भी आ गया, सिंगल एंट्री। अब बनाओ बड़े प्लेयर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतनी स्पेस में बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जी यहाँ पे आपको दर्ज है तीन पार्टनर, तो तीन कॉलम बन जाएंगे, 1, 2, 3, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, कौन कौन, अमर, तरुण और अखिल, अमर, तरुण और अखिल, कोड BCGREO, बिफोर बाय बैलेंस BD, 3,00,000 रुपए, और यहाँ कितना हो जाएगा 1,80,000, यहाँ आ जाएगा 1,20,000। C4 कैपिटल भी ला नहीं रहा, G4 गुडविल इसके अंदर ही आ गया, R4 रिजर्व PNL इसके अंदर आ गया, रिवैल्यूएशन इसके अंदर आ गया, अदर कुछ है नहीं, बस एक ही एंट्री है, तरुण को डेबिट कर दो, तरुण डेबिट हो जाएगा अमर के नाम से और अमर क्रेडिट हो जाएगा तरुण के नाम से, सारी एंट्री आ गई और टू बैलेंस CD निकाल दो मेरे बेटे जी, 3,19,200 या गया जी हमारे अमर भैया, 1,80,000 माइनस 19,200 या आ जाएगा 1,60,800 और या आ जाएगा 1,20,000, टोटल टोटल क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या बनेगी मेरे बेटा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि रिवैल्यूशन बनाया नहीं है और रिजर्व पीएनएल बांटे नहीं है। बैलेंस शीट एज एट किस दिन, 1 अप्रैल 19, जिस दिन बवाल मच रहा है मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, क्लियर है। जैसे कैश इन हैंड पूरे क्वेश्चन में ना तो पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, तो कैश इन हैंड जो पहले था वही रहेगा, कितने रुपए मेरे बेटा जी 25,000 रुपए। उसके बाद बैंक बैलेंस,
बैंक बैलेंस 1,25, ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, वही का वही। बी आर बिल्स रिसीवेबल, ना बढ़ रहे ना घट रहे एज इट इज। डेटर, डेटर वही है, हालांकि प्रोविजन के अंदर बदलाव होना चाहिए था बट रिवेल्यूशन बनाया नहीं है, तो प्रोविजन तुम्हारा जैसे 10 था वो 10 ही रहेगा, बदलेगा नहीं क्योंकि रिवेल्यूशन बनाया नहीं, नहीं तो 8 आ जाता यहाँ पर क्योंकि दो कम करने के लिए बोल दिया था। स्टॉक की वैल्यू उन्होंने बढ़ाने के लिए बोल दी थी कि बढ़ानी नहीं है, 2 लाख से 2,20 करनी थी बट वो करनी नहीं, रिवेल्यूशन बनाया नहीं, 2 लाख ही रहेगी। पंडित की वैल्यू इन्होंने कम करने के लिए बोली थी बट कम करनी नहीं है क्योंकि रिवेल्यूशन बनाया नहीं है। कंप्यूटर की वैल्यू भी इन्होंने कम करने के लिए बोली थी बट कम करनी नहीं है, क्लियर है, 3 लाख ही रहेगी क्योंकि रिवेल्यूशन बनाया नहीं है। एयर कंडीशन इनकी एसी, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो वैसे भी एज इट इज रहेगा। सेंडरी क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ मेरे बेटे जी, एज इट इज रहने वाला है मामला, 1,60,000 रुपए, ठीक है ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी पेबल, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो सैलरी भी तुम्हारा कितना रहेगा मेरे बेटे जी, 30 का 30 ही रहेगा। रिजर्व और पीएनएल, ये रिपीट करना यहाँ पे क्योंकि तुमने बांटा नहीं है, बांट दिया होता तो ये रिपीट नहीं होता, अब रिपीट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट रहेगा आपका अमर का, अमर तरुण और अखिल का, ठीक है ना। कौन सी कैपिटल जो आपने निकाली है, कौन सी निकाली कैपिटल, तो ये रही 3, 19, 200, 1, 60, 800 और 1,20, ये वाली। तीन, 19, 200, 1, 60, 800 और 1,20 टोटल आएगी इसकी 6 लाख। टोटल जब करोगे तो वही आएगा क्योंकि कुछ चेस तो वही नहीं है, 9 लाख का 9 लाख ही निकल कर आएगा। यह कुल मिला के ठीक है जी, होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247851 पे मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी परेशानी को दूर करें, और इस सबको डीप में सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्लेलिस्ट लिंक पे क्लिक करें। आज से धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।